हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी पंकज ब्लॉग। आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को सबसे पहले नमस्कार प्रणाम। और शाम का टाइम हो गया है नाश्ता लेने का, और अभी पता नहीं है क्या नाश्ता बन रहा है, क्या लोग बना रहे हैं अंदर। तो अभी थोड़ी देर में हम चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या नाश्ता बन रहा है। और नाश्ता फिर अभी तैयार हो चुका है कि नहीं ये भी पता नहीं है, तो अभी चलेंगे, चलते हैं उसको पता करते हैं कि नाश्ता बनने वाला है, बनेगा या नहीं बनेगा, बाहर से आने वाला है कि कुछ तैयार हो रहा है। अभी मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा आराम कर रहा था, आराम करके उठा हूँ तो फिर ध्यान पड़ा है कि टाइम तो नाश्ता का हो गया है, तो सोचा कि चलो देखते हैं क्या बन रहा है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को ले चलते हैं अपने किचन की तरफ, देखते हैं हमारी वाइफ कहाँ है, उनसे पूछते हैं क्या बना रही हैं। चलिए ले चलते हैं आपको। अरे ये तो सोफे पे बैठी हुई हैं, हम सोचे कुछ बना रही होंगी, कुछ नाश्ता पानी नहीं बनेगा क्या, खाना है क्या आपको? अरे हमको लगा कुछ बन रहा होगा, हम तो आराम कर रहे थे। आइए बैठिए, आप भी बैठिए मेरे साथ। आखिर कुछ बनेगा नहीं क्या आज? क्या खाना है? अरे कुछ भी बन जाए। बाबू क्या खाना है? क्या खाना है बेटा? बाबू आज क्या खाएंगे हम लोग, नाश्ता में क्या खाएंगे? छोला और क्या खाएंगे? ओहो समोसा। हाँ तो ठीक है, तो समोसा ही बनाते हैं, बन जाएगा क्या समोसा? बन जाएगा बिल्कुल। तो नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ छोले समोसे की फरमाइश हो चुकी है, तो आप लोगों का क्या विचार है, बनाना चाहिए या नहीं? खैर जो भी हो तो बना ही देते हैं। आप लोगों का जो भी विचार हो उससे अपने को कुछ नहीं लेना है, अपने को तो खाने का बस मन है, तो बस बन जाए तो खाना है और क्या। अब आप लोगों का भी मन होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, तो आप लोग वीडियो देखकर खा लीजिएगा। नहीं, आप लोगों के पास हम लोग पार्सल कर देंगे, तो जिसको जिसको खाना होगा वो कमेंट करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी आगे बनना शुरू होने जा रहा है, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अभी देखते हैं कैसे बनता है। अभी तक मैं बैठी थी, लेकिन अब जाके ऑर्डर मिला है कि छोला समोसा खाना है, तो चलिए बनाते हैं। उसमें आपको दिखा भी देंगे कैसे बनता है, ताकि आप भी अगर चाहते हैं बनाना तो ट्राई कर सकते हैं, हमारे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, दुकान के तरह टेस्टी होगा कि नहीं ये तो बनाने के बाद पता चलेगा, और आप बनाएंगे जब तो आपको पता चलेगा। इनको सिर्फ बोलना है, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, अभी तक बर्तन धुल के रखा है, वो अभी तक लगा भी नहीं है स्टैंड में। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी समोसा वाली चटनी, कैसे बनी समोसा वाली चटनी, कैसे बनी। तो दोस्तों हम आ गए किचन में, देखिए यहाँ पे काम चालू हो गया है, और कितना तेज़ी से देखिए शुरू हो गया है सब काम। इधर आलू आ गया, मटर आ गया, सब कुछ तैयार है। मेरा भी मन में थोड़ा सा लालच हो रहा है कि जल्दी बने तो खाएँ, और क्या क्या तैयारियाँ हैं देखिए। इधर अभी तो थोड़ा सामान अस्त व्यस्त है, और लेकिन ये कि तैयारी बहुत ज़ोर शोर पे है। क्या क्या शुरुआत हो गया है? आज मटर भी बो के रखी थी मैं छोला ही बनाने के लिए। ये तो अच्छी बात है, अब सोच रही हूँ कि छोला और समोसा बन जाए, तो ये तो उससे भी अच्छी बात है। वैसे छोला में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समोसा मुझे बहुत पसंद है। तो कैंसिल कर दें क्या? नहीं नहीं नहीं, बने 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 बने, सब बनेगा सब बनेगा। आज तो मौसम भी छोला और समोसा वाला ही हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी श्रीमती जी कितना मेहनत से बना रही हैं, और आप लोगों को अगर खाना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको समोसा खाना है, समोसा आप तक पहुंचाया जाएगा, पार्सल किया जाएगा आप तक, आपके पास पहुंचेगा। तो कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा है। एक बात और, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ये तीन चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग। वैसे तो आप लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, प्रेम आप लोगों का मिल रहा है, तो आप लोगों से यही आशा करते हैं। वैसे अभी आगे क्या क्या किस तरह से बनेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो दोस्तों अभी वीडियो में आप बने रहें। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर छोले समोसे की फरमाइश हो चुकी है, तो किचन में उसकी तैयारी करके बनानी ही पड़ेगी। तो वैसे तो मैं मटर भिगो के रखी थी सिर्फ छोला बनाने के लिए, पूड़ी या रोटी से खाने के लिए, लेकिन अब इसका छोला समोसा के लिए उपयोग में आएगा। तो ये ज़्यादा लग रहे थे मटर, इसलिए मैंने थोड़े से निकाल के साइड में रख दिए हैं, फ्रिज में रख दूंगी, कल बन जाएगा। और ये
बाकी मटर का छोला बना देती, तो मैंने इसे बिन कर साफ कर लिया है, ताकि इसमें कभी कभी ऐसे ऐसे मटर होते हैं जो कितना भी भिगो ये फूलते नहीं है, ये पत्थर जैसे ही रह जाते हैं। इनको मैंने बिन कर निकाल लिया है, इन्हें उबालने के लिए रख देती हूँ। और ये आलू भी उबालने के लिए रख देती हूँ, ये छोटे छोटे आलू हैं जो सब्जी बनाते वक्त छिलने नहीं होते हैं, तो सोची मैं ये उबल जाएंगे तो छिलने में आसानी होगी, तो इन्हें रख देती हूँ उबालने के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे आपको पता चलता रहेगा कि कैसे छोला समोसा बनेगा और कैसे पार्टी इंजॉय किया जाएगा। तो ये प्याज और प्याज कट चुका है, लहसुन छील के रख चुके हैं समोसा और छोला के लिए, दोनों ही ये चीज़ हो चुके हैं। अब चलते हैं लहसुन मिर्चा पीस लेते हैं, देखते हैं हमारे आलू और मटर उबलेंगे। तो ये मैदे को चाल लिया जाए ताकि इसे गूंथ लिया जाए समय से, 10 मिनट छोड़ दिया जाएगा तो आटा सेट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आटा गूंथने के लिए हम सबसे पहले मैदे को चाल कर ले लिए हैं एक बर्तन में, थोड़ा सा नमक मिला लिए हैं, अजवाइन क्रश करके मिला लिए हैं और ऑयल मिला लिया, ऑयल डालडा घी जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उसे आप मिला लीजिए, जिससे कि समोसा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा हो। और फिर गुनगुने पानी से आटे को गूंथ लेना है। तो मैंने सब कुछ मिला लिया है, सिर्फ आटा गूंथना बाकी रह गया पानी से। ये आलू भी उबल चुके हैं, अभी गर्म है, थोड़ा सा इनको ठंडे पानी से धुल लेती हूँ, फिर छील करके समोसा के लिए इसे तैयार करती हूँ। दोस्तों ये समोसे और ये गैस सीटी अपना समय से देती है जब हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए समोसे का आलू तैयार है, थोड़ा सा इसको प्लेट में लेंगे इधर कटोरी में और टेस्ट करेंगे कि क्या स्थिति है इसका, स्थिति अच्छा ही होगी। तो दोस्तों देखिए समोसा बन रहा है, समोसा अभी कैसे बनेगा आप देखिए, ये आलू है तैयार हो गया है, एक समोसा बना करके दिखाइए पहले। दिखा रहे हैं इसको बेलना, बस पहले इसको बेलना है, फिर इसको चार भाग में काटना है, चार भाग में नहीं दो भाग, अच्छा दो भाग में काटना है। और फिर इसको क्या करेंगे, ये क्या लग रहा है पानी, तो दोस्तों इसमें पानी लगाएंगे किनारे पे पकड़ बनाने के लिए, फिर उसको समोसे का आकार देंगे। देखिए इसमें आलू भरेंगे, फिर उसको पानी लगा के इसको पैक कर देंगे। अभी आपका समोसा जो है कच्चा बन के तैयार है, कच्चा बन के तैयार है छानने के लिए। देखिए
तो दोस्तों देखिए कढ़ाई में पड़ गया है समोसा, तो समोसा निकल भी गया है। ये देखिए थोड़ी देर बाद इसको तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये छोला बन के तैयार है, छोला और समोसा। वैसे मैं तो समोसा ही केवल खाता हूँ, छोला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए बना हुआ है। और ये देखिए समोसा भी निकल के आ गया है मेरे पास। बस बस गर्मा गर्म प्लेट में निकालना है और खाना है शानदार समोसे। तो दोस्तों देखिए समोसा और छोला निकल चुका है, अब इसका थोड़ा आनंद लिया जाएगा। चटनी अपने स्वाद के अनुसार हम लोग लेंगे, जिसको तीखा मन करेगा तीखा, जिसको मीठा मन करेगा वो मीठा लेगा। क्या भाई क्या चाहिए, क्या हुआ? ये देखिए दोस्तों तैयार हो गया है और हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं देखिए कितना टेस्टी है। तो समोसा तैयार है, सब लोग अपना निकाल के ले भी चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि समोसा कैसा बना है, देखते हैं कोई शुरुआत किया या नहीं। हाय भाई आप लोग किसी को खाना है तो आ जाए। कैसा बना है समोसा? अभी आप लोग तो शुरू ही नहीं करिए, शुरू किए कीजिए तब ना। चलिए टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। बढ़िया है बेटा, अच्छा अच्छा बनाया। हमको तो खिलाया नहीं, हमको भी खिलाइए। नहीं खिलाया छोला वाला ना है बहन जी। मैंने दोस्तों देखिए समोसा के साथ छोला ऊपर से डाल लिया गया है, बहुत टेस्टी हुआ है। तो प्याज है, इसको प्याज से डाल देंगे ऊपर से, बहुत अच्छा लगेगा। हंसते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए है कि नहीं? ठीक है आप लोग खाइए और आप लोग और ले लीजिएगा, भरपूर खाइए पर्याप्त। ये क्या बना रहे हैं, आगरा का ताजमहल? तो सभी लोग समोसा खा चुके हैं, मेरा बच्चा भी खा लिया है, अब मैं भी समोसा खाने लगा। देखिए ये मेरा समोसा और ये मेरा छोला। लेकिन आप लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अंकल बोलिए। हाय गाइस, समोसा बना मेरा, एक बलून मिला, ये समोसा 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 समोसा।